हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में एक शानदार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बहुत ही लंबे समय के बाद आज वीडियोस बना रहे हैं, लोगों से क्षमा चाहेंगे। आप लोगों ने बहुत फोन करके कहा कि सर नए वीडियोस बनाइए, कुछ प्रोडक्ट आपके शॉर्ट हैं उनको मार्केट में लाइए। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर आज एक वीडियोस बनाया जा रहा है। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर धन्य धान्य और संपन्नता आए, भाई बहन का रिश्ता मजबूत हो, आपसी गिले शिकवे दूर हो। इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसके लिए बेहद और बेहतरीन और बेमिसाल समझिए कि डिमांड है जिस प्रोडक्ट की हमारे, और लोगों ने हमको परेशान कर रखा था 2 महीने से कम ये प्रोडक्ट हमारा स्टॉक आउट था। तो हम बात कर रहे हैं अपनी नीम एलोवेरा वाले वाटरलेस ड्राई वॉश स्प्रे की, जो कि खरगोश को नहलाने का एक मॉडर्न तरीका है। इस स्प्रे से खरगोश को बिना पानी के आप नहला सकते हैं। जी हाँ, बिना पानी के खरगोश को नहलाने का एक मॉडर्न तरीका है। खरगोश को पानी से नहीं नहलाना चाहिए, ज्यादा फर होते हैं जिसके कारण मॉइस्चर जो है लंबे समय तक बॉडी में टिका रहता है। खरगोश के सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया जैसी शिकायत हो जाती है, और एक बूंद भी पानी यदि कान में चला गया तो खरगोश गर्दन टेढ़ी करने लगता है, कान में उसके दर्द होने लगता है, और थोड़ा सा अगर जो कहीं नाक में चला गया तो फेफड़े में गया, एक बूंद भी पानी यदि फेफड़े में गया तो खरगोश समझिए कि मुंह से सांस लेगा और थोड़ी देर में डेथ कर जाएगा। तो इन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए हमारी कंपनी का ये जो वाटरलेस ड्राई वॉश स्प्रे है, इसको आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। कुछ बहुत ही सिंपल यूज करना है। खरगोश को बिठाइए, यहाँ पर इस स्प्रे को खोलिए, खरगोश के पंजों पर, खरगोश की पूरी बॉडी पर आपको इसको स्प्रे करना है। और ध्यान रखना है स्प्रे नाक के अंदर न जाए, आंख के अंदर न जाए, और कान के गड्ढे के अंदर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत जाएगा तो उससे कोई हानि, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा, लेकिन आप उसको प्रोटेक्ट करिए। पूरा 100% नेचुरल तरीके से बना हुआ ये डिओडोराइज स्प्रे होता है, जो कि आपके रैबिट के लिए है। पूरी बॉडी पर आपको उसके स्प्रे कर देना है। 5 मिनट में उसको थोड़ा उंगली के फिंगर टिप से सहला सकते हैं आप, ताकि जो उसके फर हैं उसकी गंदगी जो है वो आपके, मतलब उसके फरों से वो गंदगी छूट जाए। उसके बाद आप उसको 5 मिनट में, 6 मिनट बाद सूखे टॉवल से खरगोश को पोंछ दीजिए, और जो गंदगी है वो सारी आपके टॉवल में आ जाएगी। और अगर जो आपके पास ग्रोमर है गर्म हवा वाला, तो आप मार दीजिए रैबिट के, और थोड़ी देर में बाल फरफरे हो जाएंगे, खरगोश बिल्कुल उसके बाल साफ हो जाएंगे, खरगोश डिओड्राइज हो जाएगा, नीम एलोवेरा की अच्छी खुशबू आने लगेगी उसके ऊपर से, मक्खी मच्छर नहीं बैठेंगे। तो आप यदि उसको छूते हैं, घर में बच्चे हैं या कोई बड़े बूढ़े हैं, आप उसको अपने पास रखते हैं, जो भी फंगल इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन रैबिट से आपको हो सकता है, उससे इसको, ये जो हमारा डिओड्राइज स्प्रे है, ये इसको बचाएगा। और आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी स्पेशल सलाह, जैसे छुट्टी वाले दिन बच्चे ज्यादा घर में रहते हैं, तो आप सुबह उठ के एक बार इसको डिओड्राइज कर दीजिए रैबिट को, बच्चे उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ दौड़ेंगे भागेंगे, तो बच्चों को कोई भी खतरा आपके खरगोश से नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने, हमारा ये जो वाटरलेस ड्राई वॉश स्प्रे है, ये फ्लिपकार्ट से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और जो लोग हमारे प्रोडक्ट हमसे डायरेक्ट खरीदते हैं, वो फ्लिपकार्ट से बहुत कम पैसे में हमसे मंगा सकते हैं। जो ऑर्डर आपको भेजते हैं उसी में डिओडोराइज स्प्रे भी रख देते हैं, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज ना के बराबर लगता है, उसी में आपका निकल जाता है। तो जो प्रोडक्ट का पैसा पैसा है, वही हम इससे आपको ले लेते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो डिओडोराइज स्प्रे है, खरगोश को बिना पानी के नहलाने की जो समस्या है, उसको आज खत्म किया जा रहा है। जो इस कंपनी को हमारे लिए बनाते हैं डॉक्टर साहब, वो फॉरेन गए हुए थे, 2 महीने से नहीं आ पा रहे थे। वो जैसे जैसे डेट देते थे हमको, हम आप लोगों को देते रहते थे। बहुत सारे लोग तो हमको बहुत ज्यादा डांटे भी कि सर आपका ये प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आप क्यों नहीं मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं, हर हफ्ते में बोलते हैं अगले हफ्ते, अगले हफ्ते और अगले हफ्ते। उन सभी लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। अब ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर दोबारा से अवेलेबल हो गया है और बहुत अच्छी लाजवाब सेल आ रही है, और इस प्रोडक्ट के लिए हमारे, और इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी, हमने ये समझिए कि मार्केट में कोई भी ऐसा स्प्रे अभी ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल नहीं है रैबिट के लिए। कितनी भी अच्छी और बड़ी कंपनी का स्प्रे हो, उसकी हम बात नहीं करते हैं। और ये जो वाटरलेस ड्राई वॉश स्प्रे है, इसका मुकाबला अभी भी कोई भी स्प्रे कंपनी नहीं कर पाएगी, ये हमारा वादा है आप लोगों से। इतना लाजवाब और शानदार प्रोडक्ट ये हम बेचते हैं, ये जो मार्केट में आप स्प्रे लेते हैं
वो स्प्रे यदि एक लोकल चाहें आप बनाना तो वो सस्ते से सस्ते में बन जाता है, उसको आप कम से कम में बेच भी सकते हैं। लेकिन हमारा कांटेक्ट नंबर आप लोगों के पास है, आप लोगों से हम डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। तो स्प्रे जैसी एक चीज जो कि रैबिट के लिए बहुत ही जरूरी है और डायरेक्ट स्किन पे यूज होती है, तो उसको हम सबसे महंगा और अच्छी क्वालिटी का खरीदते हैं, ताकि आप लोगों की कोई भी क्वेरी ना आए, आप लोगों का कोई भी क्लेम ना आए, कोई भी सवाल ना रहे हमसे, ताकि जो भी कोई समस्या हो वो ना आए। लोगों का क्या काम है मार्केट में बेच के भाग जाना, वहां पर कोई किसी का कोई सपोर्ट नहीं करता है। लोगों का है अच्छा लगा तो यूज करिए, नहीं तो उसको फेंक दीजिए। हम कहते हैं स्प्रे लीजिए, कोई समस्या आ रही है फोन करके आप हमसे पूछिए, आपके खरगोश संबंधित अगर जो इसको यूज करने के बाद कोई प्रॉब्लम आए या कोई कंफ्यूजन है किस तरीके से आपको रैबिट पर इसे इस्तेमाल करना है, तो वो सारी समस्याओं को लेकर ये शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। यदि आप लोगों को हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आपसे हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फ्लिपकार्ट पर हमारे प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग और एक अच्छा सा कमेंट वहां पर जरूर लिखिए। देखिए इसका जो स्प्रे है, इसका जो फ्रेग्रेंस है नीम और एलोवेरा का है, नेचुरल हर स्प्रे है, नीम और एलोवेरा से मिलकर बना हुआ है। तो इसकी जो स्प्रे की खुशबू है नीम एलोवेरा की आएगी, जिससे कि खरगोश इरिटेट नहीं होता है। और जो दूसरे स्प्रे मार्केट में जैसे गुलाब वगैरह के हैं, इस तरीके के चमेली के हैं, इस तरीके के स्प्रे भले ही आपको सूंघने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन उससे आपका पेट जो है वो इरिटेट होता है, और इससे पेट इरिटेट नहीं होता है। इससे खरगोश अपने आप को महकता हुआ, खूबसूरत और जवान महसूस करता है। जब साफ सुथरा दिखता है वो अपने आप को, उसको भी अच्छा लगता है, उसके पास भी मक्खी मच्छर रोज जो भिनभिनाया करते थे वो भी नहीं आते, तो खरगोश को बहुत अच्छा जो एक मैजिकल फीलिंग आती है उसके अंदर, और आपको भी बहुत ही अच्छा फील होगा। यदि आपके पास प्रेग्नेंट फीमेल है, डिलीवरी के बाद आप इसको डिओड्राइज कर सकते हैं, जो गंदगी वगैरह फरों में उसके लग गई है या जेर वगैरह की जो ब्लड वगैरह लग गया है, तो वो सारी समस्याएं इससे खत्म होंगी, साफ हो जाएगा खरगोश, और आपका जो खरगोश है वो छोटे बच्चों को जब मिल्क फीड कराएगा तो उसके लिए भी, बच्चों के लिए भी, नवजात बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही लाजवाब और शानदार वीडियोस अब जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।